सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनी राजपूत ब्लॉग। क्या आपके बच्चों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता? अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को समझाइए। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके बच्चे पढ़ने में पीछे कभी नहीं रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल स्टूडेंटों का सवाल है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं होता। सो इसको मैं आपको बताऊँगी कि क्यों याद नहीं होता, क्यों पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। अगर पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि आप ज़्यादातर फ़ोन, टीवी, इन चीज़ों में ज़्यादा सुनते हो, इंटरेस्ट लेते हो। अगर आप पढ़ाई में मन से पढ़ाई करो या फिर इंटरेस्ट पढ़ाई या बुक में करो तो आपको पढ़ने में उतना ही अच्छा, उतना ही इंटरेस्ट होगा जितना कि आप टीवी या मोबाइल फ़ोन जो भी चलाते हो, इसमें इंस्टाग्राम जो भी है। आजकल तो इंस्टाग्राम सबसे ऊपर है। आजकल बच्चे पढ़ाई नहीं करते, चाहे वो पहली के हो, चाहे केजी के हो, चाहे नर्सरी के हो, जो भी है पहली दूसरी। आजकल अच्छे पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम जो है वो मिल गया है या ऐप है, उन पर वीडियो बनाते रहते हैं या वो देखते रहते हैं। इसलिए जो आज के छोटे बच्चे हैं बहुत बिगड़ रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन इसीलिए नहीं लगता। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे तो फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ोगे? फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ोगे तो आप गंवार रह जाओगे या फिर घर पर बैठे रह जाओगे। आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? फिर आपकी शादी कर देंगे, फिर आप दूसरों के घर जाओगे, फिर वहाँ पर काम काज करोगे। अगर आप पढ़ी लिखी वाली लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने के लिए एक रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, ताकि आप समय समय पर कुछ ब्रेक लेकर पढ़ें। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाओगे तो आप उसमें बोर होते जाओगे, आपको नींद आएगी, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए बीच बीच में 2-3 मिनट आप रुक कर कुछ खाकर या फिर थोड़ा बैठ कर फिर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप बीच बीच में रुकते हैं या फिर आराम आराम से पढ़ते हैं तो आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और आप किसी को भी बता सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट का सवाल होता है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता आगे तक, क्योंकि वो पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रखते, क्योंकि वो और चीज़ों में ना इंटरेस्ट लेते हैं, उसे भूल जाते हैं। आगे तक जब हम फ्यूचर में कहीं जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपको ये पता है, हम सर पकड़ लेते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं, हमने तो पढ़ा है लेकिन ये क्यों पढ़ा है और क्यों याद नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसे सीरियस लिया ही नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।